टाइटल से आपको आइडिया हो चुका होगा कि आज का व्लॉग हमने किए हैं अपने कुकिंग के नाम। तो मैं आ गई हूँ किचन में। आज मेरा दिल था मटर चावल बनाने का, तो मैंने ले लिया देचकी और उसमें डाल लिया ऑयल। साथ में मैंने सोचा कि जो रोल पड़े हैं वो भी फ्राई कर लिए जाएं, तो मैंने दूसरे साथ ही चूल्हे पे रख दिए हैं। इसको क्या बोलेंगे, चीज़ें आई डोंट नो, फ्राई, हाँ फ्राई पैन रख दिया है और बस चीज़ें डालती रहती हूँ। आप लोगों को पता ही है क्या क्या चीज़ें डालते हैं। मेन मकसद जो है वो है आप लोगों से बातें करना। तो ये बस व्लॉग है, जो जो मुझे दिख रहा है वो मैं बनाई जा रही हूँ, क्योंकि 5 नवंबर को होने वाला है रहीमिया खान में आईटी एक्सपो। तो जो जो अपना करियर का आगाज़ करना चाहता है, जिसको नहीं मालूम कि वो क्या करे, तो वो आके वो इवेंट इंजॉय करे। और साथ में मैंने रख दी है फ्राई होने अपने रोल। मैंने इसको जो ट्रांसफ़र कर लिया था दूसरी कढ़ाई में, मम्मा आ गई थी, तो मम्मा कहती चलो मैं फ्राई करती हूँ। मैंने कहा चलें ठीक है जी, आप फ्राई कर लें। तो वो बैच तो थोड़ा थोड़ा जला हुआ था, तो मैंने उसकी वीडियो रिकॉर्ड नहीं की, लेकिन प्लेट में आपको वो दिखेंगे। साथ साथ कबाब जो है, रोल भी फ्राई हो रहे हैं, मसाले मसूले जो हैं डाल रहे हैं हम लोग अपने मटर चावल में। मम्मा से मुझे पड़ी थी डांट, क्योंकि मम्मा का इरादा था इसका पुलाव बनाने का, और मैंने जो है जो नॉर्मल मटर चावल होते हैं वो बना दिए। और यहाँ पे जो है मैं आ गई हूँ चावल धोने। चावल धोना तो मुश्किल बहुत होता है, लेकिन जब तक अंदर से पूरी चीज़ें ना निकल जाएं, इंसान को जो है तसल्ली भी नहीं होती। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको मटर चावल कैसे लगते हैं। और छोटा सा व्लॉग होगा आज। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर करें। तो अब मैं लगाऊंगी चावलों को दम पे और आपको दिखाऊंगी फाइनल लुक। और हम इसी के साथ साथ अपने व्लॉग को एंड करते हैं। मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा और बहुत जल्द हाजिर होंगी एक न्यू व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।